नक्षत्र के दिन वह व्रत की पूर्ति के दिन का समय सूर्य ग्रहण के समान ही समझा जाता है, परंतु महापुरुषों के संग का काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष जानते मानते हैं। तपोनिष्ठ योगी और ज्ञाननिष्ठ यति ये पूजा के पात्र हैं, क्योंकि ये पापों के नाश में कारण होते हैं। जिसमें 24 लाख गायत्री का जाप कर लिया हो, वह ब्राह्मण भी पूजा का उत्तम पात्र है। वह संपूर्ण फलों और भोगों को देने में समर्थ है। जो पतन से तृण करता है, अर्थात नरक में गिरने से बचाता है, उसके लिए इसी गुण के कारण शास्त्र में पात्र शब्द का प्रयोग होता है। वह दाता का पातक से त्राण करने के कारण पात्र कहलाता है। गायत्री अपने गायक का पतन से त्राण करती है, इसलिए वह गायत्री कहलाती है। जैसे इस लोक में जो धनहीन है वह दूसरों को धन नहीं देता, जो यहाँ धनवान है वही दूसरों को धन दे सकता है। उसी तरह जो स्वयं शुद्ध और पवित्र आत्मा है वही दूसरे मनुष्यों का त्राण या उद्धार कर सकता है। जो गायत्री का जाप करके शुद्ध हो गया है वही शुद्ध ब्राह्मण कहलाता है। इसीलिए दान तप होम और पूजा सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र है। ऐसा ब्राह्मण ही दान तथा रक्षा करने की पात्रता रखता है। स्त्री हो या पुरुष, जो भी भूखा हो वही अन्न दान का पात्र है। जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वह वस्तु बिना मांगे ही दे दी जाए तो दाता को उस दान का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है, ऐसी महर्षियों की मान्यता है। जो सवाल या याचना करने के बाद दिया गया हो वह दान आधा ही फल देने वाला बताया गया है। अपने सेवक को दिया हुआ दान एक चौथाई फल देने वाला होता है। विप्रवरो, जो जाति मात्र से ब्राह्मण और दीनता पूर्ण वृत्ति से जीवन बिताता है उसे दिया हुआ धन का दान दाता को इस भूतल पर 10 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला होता है। वही दान यदि वेदवेता ब्राह्मण को दिया जाए तो वह स्वर्ग लोक में देवताओं के वर्ष से 10 वर्षों तक दिव्य भोग देने वाला होता है। शील और उच्छल वृत्ति से लाया हुआ धन गुरु दक्षिणा में प्राप्त हुआ अन्न धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। उस दान का दाता को पूर्ण फल देने वाला बताया गया है। क्षत्रियों का शौर्य से कमाया हुआ, वैश्य को व्यापार से आया हुआ और शूद्रों का सेवा वृत्ति से प्राप्त किया हुआ धन भी उत्तम द्रव्य कहलाता है। धर्म की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को जो धन पिता और पति से मिला हुआ हो उसके लिए वह उत्तम द्रव्य है। गो आदि 12 वस्तुओं का चैत्र आदि 12 महीनों में क्रमशः दान करना चाहिए। गो, भूमि, तिल, सुवर्ण, घी, वस्त्र, धान्य आदि, गुड़, चांदी, नामक, कोहड़ और कन्या, ये ही वे 12 वस्तुएं हैं। इनमें गोदान से कायिक, याचिक और मानसिक पापों का निवारण तथा कायिक आदि पुण्य कर्मों की पुष्टि होती है। ब्राह्मणों, भूमि का दान इहलोक और परलोक में प्रतिष्ठा आश्रय को देने वाला होता है। तिल का दान बलवर्धक एवं मृत्यु का निवारण करने वाला होता है। सुवर्ण का दान जठारा अग्नि को बढ़ाने वाला तथा वीर्यदायक है। घी का दान पुष्टिकारक होता है। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि करने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। धान्य का दान अन्न की धन की समृद्धि के कारण होता है। गुड़ का दान मधुर भोजन की प्राप्ति कराने वाला होता है। चांदी के दान से वीर्य की वृद्धि होती है। लवण का दान षडरस भोजन की प्राप्ति कराता है। सब प्रकार का दान सारी समृद्धि की सिद्धि के लिए होता है। विज पुरुष कुशमांड के दान को पुष्टिदायक मानते हैं। कन्या का दान आजीवन भोग देने वाला कहा गया है। ब्राह्मणों, वह लोक और परलोक में भी संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराने वाला होता है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि जिन वस्तुओं में श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती है उनका सदा दान करे। श्रोत्र आदि 10 इंद्रियों के जो शब्द आदि 10 विषयक हैं, उनका दान किया जाए तो वे भोगों की प्राप्ति कराने वाले होते हैं तथा दिशा आदि इंद्रियों देवताओं को संतुष्ट कराने वाला होता है। वेद और शास्त्र को गुरुमुख से ग्रहण करके गुरु के उपदेश से अथवा स्वयं ही बोध प्राप्त कराने वाला होता है। जो बुद्धि का या निश्चय होता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इसी को उच्च कोटि की आस्तिकता कहते हैं। भाई बंधु बुद्धि या श्रद्धा होती है वह कनिष्ठ श्रेणी की आस्तिकता होती है। जो सर्वथा दरिद्र हैं, उनके जिनके पास सभी वस्तुओं का अभाव है, यह वाणी अथवा कर्म शरीर द्वारा यजन करें। मंत्र, स्त्रोत्र और जप आदि को वाणी द्वारा किया गया यजन समझना चाहिए।
तथा तीर्थ यात्रा और व्रत आदि को विद्वान पुरुष शारीरिक यजन मानते हैं। जिस किसी भी उपाय से थोड़ा या बहुत देवता तर्पण बुद्धि से जो कुछ भी दिया अथवा किया जाए वह दान या सत्कर्म भोगों की प्राप्ति कराने में समर्थ होता है। तपस्या और दान ये कर्म मनुष्य को सदा करने चाहिए। ऐसे ग्रह का दान करना चाहिए जो अपने वर्ण चमक दमक या सफाई और गुण सुविधा से सुशोभित हो। बुद्धिमान पुरुष देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ देते हैं वह आतिशा मात्रा में और सब प्रकार के भोग प्रदान कराने वाला होता है। उस दान से विद्वान पुरुष इस लोक और परलोक में उत्तम जन्म और सदा सुलभ होने वाला भोग पाता है। ईश्वर पारायण बुद्धि से यज्ञ दान आदि कर्म करके मनुष्य मोक्ष फल का भागी होता है। अध्याय 15। पृथ्वी आदि से निर्मित देव प्रतिमाओं के पूजन की विधि, उनके लिए नैवेद्य का विचार, पूजन के विभिन्न उपचारों का फल, विशेष मास वार तिथि एवं नक्षत्रों के योग में पूजन का विशेष फल तथा लिंग के वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन। ऋषियों ने कहा, साधु शिरोमणे, अब आप पार्थिव प्रतिमा की पूजा का विधान बताइए जिसमें समस्त अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्ति होती है। श्री सूत जी बोले, महर्षियों, तुम लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है। पार्थिव प्रतिमा का पूजन सदा संपूर्ण मनोरथों को देने वाला तथा दुख का तत्काल निवारण करने वाला होता है। मैं उनका वर्णन करता हूँ, तुम लोग ध्यान देकर सुनो। पृथ्वी आदि की बनी हुई देव प्रतिमाओं की पूजा इस भूतल पर अभिष्ट फलदायक मानी गई है। निश्चय ही उनमें पुरुषों का और स्त्रियों का भी अधिकार है। नदी, पोखरे अथवा कुएं में प्रवेश करने वाले पानी के भीतर जो मिट्टी है उसे ले आएं, फिर गंध चूर्ण के द्वारा उनका संशोधन करें और शुद्ध मंडप में रखकर उसे महीन पीसें और साने। इसके बाद हाथ से प्रतिमा बनाएं और दूध से उनका सुंदर संस्कार करें। इस प्रतिमा में अंग प्रत्यंग अच्छी तरह प्रकट हुए हो तथा वह सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न बनाई गई हो। तदंतर उसे पद्मा आसन पर स्थापित करके आदर पूर्वक उसका पूजन करें। श्री गणेश जी, सूर्य जी, श्री विष्णु जी और माँ दुर्गा और भगवान शिव की प्रतिमा का शिव का एवं शिवलिंग के द्वारा जो सदा पूजन करना चाहिए। षोडशोपचार पूजा जनित फल की सिद्धि के लिए 16 उपचारों द्वारा पूजन करना चाहिए। पुष्प से प्रोक्षण और मंत्र पाठ पूर्वक अभिषेक करें। अगहनी के चावल से नैवेद्य तैयार करें। सारा नैवेद्य एवं कुंडव लगभग पाव भर का होना चाहिए। घर में पार्थिव पूजन के लिए एक कुंडव और बाहर किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के पूजन के लिए एक प्रस्त शेर भर नैवेद्य तैयार करना चाहिए। देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 3 शेर नैवेद्य अर्पित करना उचित होता है और स्वयं प्रकट हुए स्वयं वो शिवलिंग के लिए 5 शेर। ऐसा करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति समझनी चाहिए। इस प्रकार सहस्त्र बार पूजा करने से द्विज सत्यलोक को प्राप्त कर लेता है। 12 अंगुल चौड़ा, इससे 2 गुना और 1 अंगुल अधिक अर्थात 25 अंगुल लंबा, 15 अंगुल चौड़ा जो लोहे या लकड़ी का बना हुआ पात्र होता है उसे विद्वान पुरुष शिव कहते हैं। उसका 8वां भाग प्रस्थ कहलाता है। 4 कुंडव के बराबर माना गया है। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 10 प्रस्थ, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 100 प्रस्थ और स्वयंभू शिवलिंग के लिए 1000 प्रस्थ नैवेद्य निवेदक किया जाए तथा जल, तेल आदि गंध द्रव्यों की भी यथा योग्य मात्रा रखनी चाहिए। उन शिवलिंगों को महापूजा बताई जाती है। देवता का अभिषेक करने से आत्म शुद्धि होती है, गंध से पुण्य की प्राप्ति होती है, नैवेद्य लगाने से आयु बढ़ती है और तृप्ति होती है, धूप निवेदक करने से धन की प्राप्ति होती है, दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है और तंबूल समर्पण करने से भोग की उपलब्धि होती है। इसलिए स्नान आदि 6 उपचारों को यत्न पूर्वक अर्पित करें। नमस्कार और जप, ये दोनों संपूर्ण अभिष्ट फल को देने वाले होते हैं। इसलिए भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजा के अंत में सदा ही जप और नमस्कार करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह सदा पहले मन से पूजा करे, फिर उन उपचारों से करे।
देवताओं की पूजा से उन उन देवताओं के लोगों की प्राप्ति होती है तथा उनमें अवान्तर लोग